टेक्निकल काम डिफेंस एनालाइजर यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का पीएसटी और पीईटी की रिगार्डिंग में, जो कि रिटर्न रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो गया है। पीएसटी पीईटी का जो 24/4/2023 को कंडक्ट होने वाला था, उसके कुछ इश्यू रीजन्स के कारण से 1 मई 2023 से कंडक्ट होने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन भी दे रखे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो कैंडिडेट्स अभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया हो, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सीआरपीएफ का जो वेबसाइट में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज बात करेंगे इसके रिगार्डिंग एसएससी जीडी के काफ़ी कुछ, मतलब एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कुछ लोगों का जो मन में डाउट है, और डाउट क्लियर करना चाहूँगा। इसीलिए वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखे रहें, और अच्छा लगा तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सबसे पहले बात करना चाहूँगा रीशेड्यूल। रीशेड्यूल जो 24 तारीख को होने वाला था, अभी 1 तारीख को रीशेड्यूल किया गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सेंटर कहाँ कहाँ कैसे कंडक्ट कराया जा रहा है, पीएसटी पीईटी का डेट चेंज होगा या नहीं, आपको डेट चेंज करना चाहते हैं तो किस विषय से हो सकता है या होगा कि नहीं, और एज और हाइट का रिलैक्सेशन किस किस कारण में होते हैं, और क्या क्या सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है, टोटल सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो 24 जो अपना 24 का कंडक्ट होने वाला था, जो नोटिस में दे रखे हैं कि कुछ उन लोगों का इश्यूज की वजह से 1/5/2023 को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। आप लोग उसी के हिसाब से आप ईद एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, ईद उसमें और एक जो सीआरपीएफ को वेबसाइट में जाने से ही मिलेगा कि एक अलग सा नोटिस देखने को आपको देखने को मिल रहा होगा। उस नोटिस में ये मेंशन किया कि लेटेस्ट फोटोकॉपी लेके जाना, एक पासपोर्ट फोटोकॉपी, साथ में आईडेंटिटी कार्ड लाएगा, को ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको स्कूल कॉलेज आईटीआई जो भी हो आई कार्ड है, जो गवर्नमेंट इशू है, जो कंपनी ऑटो ने इशू किया उसी का आई कार्ड पक्का लेके जाना है, ठीक है। ये जो नोटिस है अदर वेबसाइट में देखने को नहीं मिलता, लेकिन सीआरपीएफ का जो कंसर्न जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसी में आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, आप लोग लेके जाना है। साथ में मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया, आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाना है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जो हाइट के जो कंसेशन है, जो कुछ एसटी का है, जो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, कुछ लोगों अलग अलग जगह का अलग अलग हाइट का कंसेशन के लिए कुछ कंपनी अथॉरिटी का लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इसीलिए पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, सेफ लेके जाना, साथ में एक जेरोक्स भी लेके जाना, क्या पता आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। ऐसे तो डॉक्यूमेंट चेकिंग नहीं है इसमें, जस्ट पीएसटी अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों टेस्ट के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन जरूरत हो भी सकता हाइट और एज के रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग में, कभी ऑफिसर्स कभी इसको टेली करना पड़े तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है, इसीलिए ले जाने से बेटर होगा, ओके। और एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कि जो काफ़ी लोगों के एक डाउट है कि सबसे बड़ी चीज़ की इसका एग्जाम कहाँ का कंडक्ट करा है, कैसे है, जैसे कि इसमें हर स्टेट में अलग अलग आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफल हो, जहाँ अवेलेबल है, जहाँ उन लोग रिक्रूटमेंट जो रूल्स के अनुसार इसको डिटेल किए गए हैं उसी में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि असम राइफल में कंडक्ट कराया जाएगा तो आपको असम राइफल में जॉब मिलेगा, या बीएसएफ में है तो बीएसएफ में जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं। ये जस्ट एक पीएसटी पीरी कंडक्ट करने के लिए वो लोग कुछ जगह चुने हैं, बस यही है। वो तो सब आफ्टर मेरिट के ऊपर डिपेंड करके आपको कौन सा चॉइस में क्या जॉब मिलेगा वो बाद में वो डिसाइड होता है। फिलहाल आपको जस्ट एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जगह के अनुसार से आपको पीएसटी और पीटी के लिए कॉल कराया जा रहा है, ठीक है। और सबसे आगे में और एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा कि आप लोग पहले ही बताया था कि जो लोग आप लोग कट ऑफ का पीछे भाग रहा था, कट ऑफ का पीछे मत भागे, प्रैक्टिस की बात किया था हमने, प्रैक्टिस आप लोग करते रहे, अभी भी कुछ दिन बाकी है। जो जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग ऑब्वियस है देखा होगा, 5 किलोमीटर रन है, हाइट है, हाई जंप लॉन्ग जंप है, सब कुछ आप लोग फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर होके आना है। अभी जॉब बहुत ही वैकेंसीज निकले हुए हैं, पाने में बहुत ही आपको 100% देने से पक्का पाने की मतलब संभावना है, ठीक है। और साथ में इसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, आप लोग किसी थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन को आप लोग इसमें इन्वॉल्व मत करो, अपना 100% देने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि अभी जो भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है उसमें बहुत ही मतलब एडवांटेज है। बायोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, ऑल वीडियो कैमरास होते हैं, सर आई कॉन्टेक्ट का कैमरा होते हैं, काफ़ी मतलब इक्विपमेंट्स के साथ है। ये मत समझना कि मैं हाइट में कम हूँ, मेरा जगह दूसरों का खड़ा कर लूँगा, मैं आऊँगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे करने की कोशिश ना करें, वरना आपका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं कि यहाँ तो आप यहाँ से
कहीं गलती से निकल भी गया, फिर वेरिफिकेशन इतना स्ट्रांग है ना, आप लोग के 5 ईयर्स तक जॉब का ड्यूरेशन भी, जब तक वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा ना, जॉब करते करते भी आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग, मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आप खुद अपना 100% दीजिए, अपना 100% दे के जॉब को हासिल करने के लिए कोशिश करें, कोई थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन का मदद ना लें, ठीक है। बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस करें, ठीक है। यह बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी जगह में इसका PhD, PAT, कोई कोई CRPM में भी मेडिकल है, काफ़ी टेट टेस्ट का मेडिकल हो चुका है। हर में मैं ये SSC GD बोल के नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एक जॉब में ना आप लोग किसी को सेकेंड या थर्ड पर्सन खड़ा करके जॉब हासिल करने का ये जो सपना है उसको छोड़ दो, अपना 100% ही देना ही देना है, ओके। ये है। और नेक्स्ट और एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि जो PhD PET कैंसिलेशन के रिगार्डिंग, एक्चुअली ये PhD PET कैंसिलेशन ये ना के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे कि ऐसे तो कोई इसमें नोटिस जब तक उसी रिक्रूटमेंट ब्रांच से या रिक्रूटमेंट जो भर्ती से जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जो एक चीज की जो वुमेन लड़कियों के बारे में, जैसे वुमेन है जो यदि प्रेग्नेंट है, वो यदि अब डॉक्टर सर्टिफिकेट दिखाए कि वो इतना महीने के प्रेग्नेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर्स प्रोवाइड करेगा तब वो फिटनेस के लिए दे सकते, तब तक उसका जो वैकेंसी है, जो उसका पोस्ट, उसको रिजर्व में रखा जाएगा अनटिल अनलेस जब तक उसका वो टोटली कंडक्ट ना हो, बस उसी के लिए एक्सक्यूज है, ठीक है। और अदरवाइज आप मत समझें कि मैं दूसरा टेस्ट है उसके लिए मेरा एक्सक्यूज मैं जाके करूँगा, ऐसा नहीं, जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा तो। लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जो हाविलदार MTS का जो नोटिफिकेशन में इसमें मेंशन कर रखा है कि SSC GD कॉन्स्टेबल के लिए जो PhD PET बिफोर 2 या 3 दिन जहाँ रिक्रूटमेंट PhD PET कंडक्ट कराया जाएगा उसी जगह में जाके आप इसको डिस्कस करेगा तो जो हाविलदार MTS के एग्जाम के लिए आप लोग इसको कंसीडर हो सकते हैं। इसके लिए रिगार्डिंग में अभी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, आप उसी नोटिफिकेशन को फॉलो करेगा तो मे भी वो लोग दे सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं कि अपने मन मर्जी से गया मैं दूसरे टेस्ट में जाना चाहता हूँ बोल के, ऐसे कोई कैंसिलेशन होने का चांसेस नहीं होता जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होते हैं, ठीक है। आज यही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहा कि बहुत दिन के बाद आप लोग को एक ब्रेक के बाद कि आप लोग ना भटक जाए, कोई थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन को ना पकड़े, अपना 100% देने की कोशिश करें। और PhD 5 किलोमीटर डांस कोई खास नहीं है, इजी स्टेप से दौड़े और हाई जंप लॉन्ग जंप जो प्रैक्टिस करते हैं जॉब आसानी से मिल जाएगा। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी थर्ड पर्सन को ना पकड़े, अपना 100% देने की कोशिश करें। यदि इसका आप गलत उपयोग करोगे तो 5 साल 10 साल के बाद भी आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। ये मेरा एक मैसेज था देने के लिए। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल है और आप लोग का जो 100% दें इसी के लिए मैं कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।